नमस्कार जी, राधे राधे। अनीता वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो है, हम बनारस गए थे तब की, तो दिल्ली से बनारस तक का मैं आपको सफ़र इसमें दिखाऊंगी। इससे उसके बाद का मैंने ब्लॉग पहले डाल चुकी थी, ये मेरे को वीडियो थोड़ा सा टाइम लग गया इसको अपलोड करने में। और आपको अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ये इंडिया गेट रात को इतना सुंदर लग रहा था, लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है यहाँ पर, तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ कि रात में इंडिया गेट कितना सुंदर लगता है। और बहुत ही प्यारा लग रहा था, पर हमारे पास टाइम नहीं था थोड़ी देर रुकने का यहाँ पर, क्योंकि हमारी ट्रेन का टाइम हो रहा था, इसी वजह से हम यहाँ पर रुके नहीं। पर आपको वीडियो तो मैंने बना ही ली थी कि आप लोगों को दिखा दूँगी, और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना इंडिया गेट। चलिए जी, वीडियो को पूरा देखना, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। हम रेलवे स्टेशन पहुंच चुके थे, अब यहाँ से हम पहले जाएंगे अपने होटल,
होटल से सीधा फिर हम जाएंगे गंगा घाट। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन बड़ा ही सुंदर लग रहा था, अच्छी साफ सफाई थी, अच्छे से सब मेंटेन कर रखा था यहाँ पर। अब यहाँ से हमने ऑटो करा, ऑटो हमने होटल तक के लिए ऑटो करा था, वहाँ से हम रिक्शे से गंगा घाट गए थे। अभी आप देखना कि हम किस तरीके से हमारा गंगा घाट तक का सफ़र रहा। अब यहाँ पर हम रिक्शे में बैठ गए थे, होटल का मैंने बनाया नहीं वीडियो, और उसके बाद हम सीधा गंगा घाट के लिए निकल गए। और यहाँ पर मार्केट इतनी सुंदर मार्केट है, पर जिस दिन हम गए उस दिन थोड़ा बाज़ार बंद था, छुट्टी थी, शायद सोमवार का दिन था उस दिन। और रिक्शे वाले भैया बता रहे थे कि ज़्यादातर मार्केट बंद है आज, और अगर आपको जाना हो तो पहले पता कर लेना कि कौन से दिन मार्केट बंद रहती है, उसके नेक्स्ट डे ही जाना। और मतलब बहुत ही सुंदर मार्केट है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ के लिए अलग अलग जगह बनाई हुई है, जैसे बनारसी साड़ी के लिए अलग से है, बाकी बर्तनों के लिए अलग से है, काफ़ी चीज़ों का यहाँ पे अलग अलग वो बनाया हुआ है मार्केट, और बहुत ही सुंदर लगती है, बहुत ही सुंदर दुकानें हैं, मार्केट है, सब चीज़ की दुकान है यहाँ पर। और गंगा घाट है तो गंगा घाट पर तो मंदिर भी होंगे ही, ज़्यादातर मंदिर थे यहाँ पर, और बहुत सुंदर लग रहा था, काफ़ी अच्छा सजाया हुआ था, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और आपको अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अगर मेरी वीडियो में कोई गलती होती है मुझसे तो प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे इतना सब आता नहीं है, जो थोड़ा बहुत आता है वो आपको दिखा देती हूँ वीडियो में बना के। और आप देखिए बाज़ार, बनारस का बाज़ार कितना सुंदर लग रहा था। गंगा घाट पहुँच चुके थे, रिक्शे वाले भैया ने हमें थोड़ा दूर उतार दिया था घाट से,
क्योंकि यहाँ पर रिक्शे अंदर आते नहीं हैं, तो वहाँ से हम पैदल आए थे और गंगा घाट पर पहुँचकर बहुत ही सुंदर लग रहा था। माता रानी के मंदिर थे, देवी देवताओं के काफ़ी मंदिर थे यहाँ पर, और बहुत ही सुंदर घाट है, बहुत ही सुंदर मंदिर है यहाँ पर। और आप भी गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखना। मैंने इसका दूसरा पार्ट पहले डाल दिया था, तो ये वीडियो मैं अपलोड कर नहीं पाई थी किसी कारण से, तो आप उसको ज़रूर देखना। वो मेरी गोवर्धन शोभा यात्रा की वीडियो है, जो कि गोवर्धन जिस दिन पूजा होती है उस दिन गोवर्धन की शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली जाती है बनारस में, वो मैंने आपको पहले डाली हुई है। अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा यहाँ पर निकाली गई थी और बहुत ही सुंदर वीडियो है वो, अगर आपको पसंद आएगी तो प्लीज़ ज़रूर देखना। और गंगा मैया के नहाने के लिए हम जा रहे थे, गंगा मैया के घाट पर जाकर बहुत अच्छा लगा, काफ़ी देर हम बैठे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हर हर गंगे, हर हर महादेव सबको।